न्यूज चैनल देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। रामनगरी प्रयागराज, जहां पूरब की ऑक्सफोर्ड कही जाने वाले इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जिस तरह से विवाद हो रहा है, उसको लेकर अब पूरे देश और विदेश तक इसकी छवि धूमिल हो रही है। जब इस पर सवाल किया गया पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष ऋचा सिंह से, तो उनका कहना था कि इसके लिए कॉलेज प्रशासन जिम्मेदार है और उन्होंने इसको लेकर अब कुलपति पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है ऋचा सिंह ने, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, कल इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो घटना हुई वे बेहद दुखद घटना है। विश्वविद्यालय के निजी गार्डों द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन की शय में जिस तरीके से छात्रों के ऊपर और पूरा छात्रों के ऊपर लाठी डंडे मारे गए, उनको घेर कर उन पर जानलेवा हमला किया गया, यहाँ तक कि उनके ऊपर फायरिंग की गई, एक बड़ा सवाल है कि विश्वविद्यालय के गार्डों को असलाहा का लाइसेंस क्यों दिया गया है, क्योंकि विश्वविद्यालय परिसर में असलहों की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये घटना जिस वक्त हो रही थी उस समय जिला प्रशासन यानी कि थाना कर्नलगंज की पुलिस यहाँ पर मौजूद थी। अगर किन्हीं छात्रों से कोई बातचीत हो गई थी तो इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी जानी चाहिए थी, क्योंकि कानून का काम करने का जिम्मेदारी पुलिस के पास है। लेकिन पुलिस को धत्ता बताते हुए, कानून के शासन को धत्ता बताते हुए जिस तरीके से निजी गार्डों के द्वारा छात्रों के ऊपर बुरी तरीके से लाठी डंडे रॉड मारी गई, ये बेहद दुखद है। यहाँ पर विश्वविद्यालय में 400 दिनों से छात्र संघ बहाली का आंदोलन चल रहा है। अजय यादव सम्राट लगातार उस आंदोलन को चला रहे हैं, तमाम साथी उसमें मौजूद हैं। फीस वृद्धि का आंदोलन चल रहा है 100 दिनों से, लेकिन एक भी दिन इस तरीके की हिंसा नहीं हुई, क्योंकि छात्र शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन कल की घटना में छात्रों को जिस तरीके से दमन करने का और उनके ऊपर हमला करने का प्रयास किया गया, इसको हम छात्र बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से आज यहाँ पर एक जनरल हाउस बुलाया है और इस जनरल हाउस में ये तय हुआ है कि विश्वविद्यालय के पदाधिकारी और विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकारियों के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया जाए। जिस फर्म के गार्डों के द्वारा इस तरीके का हमला किया गया, उस फर्म का लाइसेंस कैंसिल किया जाए। और छात्रों के ऊपर अभी एक सूचना आई है कि एक FIR दर्ज कर ली गई है, छात्रों के ऊपर दर्ज FIR को वापस लिया जाए और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तार की जाए। देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की गरिमा पूरे दुनिया में बहुत ऊंचे स्थान पर है। ये वर्तमान कुलपति को सोचना चाहिए कि उन्होंने जब से विश्वविद्यालय में कदम रखा है तब से वो लगातार छात्रों से संवादहीनता का जो रास्ता अपना रही हैं, और विश्वविद्यालय में पठन पाठन पूरी तरीके से ठप हो गया है। हम लोग चाहते हैं कि विश्वविद्यालय में पठन पाठन का कार्य हो, कुलपति से छात्रों का सीधा संवाद हो। आखिर जिला प्रशासन और पुलिस की ज़रूरत क्या है? विश्वविद्यालय कैंपस में आप देख सकते हैं RAF लगी हुई है, PAC लगी हुई है, और ये कोई आज के रोज़ लगी हुई है। तो आखिर मैडम कुलपति को, जो कि यहाँ पहले प्रोफेसर रह चुकी हैं, आखिर डर किस बात से लगता है? छात्रों को अपनी हदें पता है, छात्रों को गुरु का सम्मान करना भी आता है, लेकिन छात्रों को लोकतांत्रिक ढंग से अपनी मांग करना भी आता है। बाहर से जो बच्चे आते हैं तो पढ़ने, आज अपने बच्चों को लोग देखिए, बिल्कुल विश्वविद्यालय प्रशासन को और जिला प्रशासन को इस पर बैठकर बातचीत करनी चाहिए और छात्रों से संवाद का रास्ता निकालकर विश्वविद्यालय में पठन पाठन और शांतिपूर्ण माहौल को स्थापित करने में कदम आगे बढ़ाए जाने चाहिए। उसके लिए छात्र, हम तो आमंत्रित कर रहे हैं कि मैडम कुलपति आएँ और छात्रों से बातचीत करें ताकि विश्वविद्यालय में पठन पाठन का माहौल बन सके। आखिर एक कुलपति मैडम को छात्रों से बात करने में इतना डर किस बात का है? ये अपने आप में बहुत ही अनोखा है। और हम मैडम से अपील करना चाहते हैं कि मैडम, आपका हम लोग पूरा सम्मान करते हैं, आप छात्रों से बातचीत करें और बीच का रास्ता निकालें ताकि विश्वविद्यालय में पठन पाठन का माहौल स्थापित हो सके। नगरी प्रयागराज, जहां इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कई दिनों से चल रहे विवाद में आज एक नया मोड़ आया है, जहां 2019 के बाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ भवन में ताला लटका था, वहीं छात्रों ने आज ताला तोड़ दिया है और उनका दावा है कि उन्होंने छात्र संघ भवन को बहाल कर दिया है और उनका कहना है कि अब यहां ताला नहीं लगेगा। और जिस तरह से तुगलकी फरमान जारी करते हुए छात्र संघ भवन पर ताला लगाया गया था और उसका विरोध करते हैं, ऐसे में जहां समाजवादी पार्टी के छात्र नेता सद्दाम अंसारी का क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले पर, छात्र संघ भवन पर चढ़कर जमकर नारेबाजी भी की। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2012 से जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में निरंतर छात्र संघ का चुनाव होता रहा है,
उससे हमारे छात्रों को बराबर फायदा पहुंचता था, उनके साथ कोई भी उत्पीड़न होता था, उनके किसी भी मदद की जरूरत पड़ती थी, तो उनको लगातार छात्र नेता और छात्र संघ के अध्यक्ष और उनके विभाग के मंत्री उनकी लगातार मदद करते थे। लेकिन 2012 से 2018 तक निरंतर ये छात्र संघ का चुनाव चला, लेकिन 2018-19 के बाद जब से तकरीबन आज 865 दिन हो गए हैं छात्र संघ भवन पर हमारे लोगों को ताला लगा है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज समस्त छात्र कमेटी द्वारा हम लोगों ने अपना छात्र संघ बहाल करा दिया है। आप लोग देख सकते हैं, हम लोग छात्र संघ गेट के बाहर खड़े हैं, अंदर हमारा छात्र संघ खुला हुआ है, और ये सिर्फ दरवाज़ा नहीं खुला हुआ है, ये हमारे छात्रों के जो उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है, उनके साथ उत्पीड़न ना होने का ये संदेश है। और आने वाले समय में छात्र संघ का चुनाव जल्द से जल्द होगा, और ये उसका संदेश है। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग अपने एकदम हौसले से अड़े हैं, हमारे लोग के इरादे एकदम मजबूत हैं कि जब तक चुनाव नहीं होगा, जब तक छात्र संघ का चुनाव नहीं होगा, तब तक हम लोग हार मानने वाले नहीं हैं। हम शहीद पद्मधर लाल जी से प्रेरित हैं, हम भगत सिंह से प्रेरित लोग हैं, अब बिल्कुल ताला नहीं लगने देंगे इसमें। परिचय, सद्दाम अंसारी, छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय। जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी को मीडिया के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारे साथी छात्र नेताओं को। उन लोगों के संघर्ष की वजह से आज हम सभी लोगों ने छात्र संघ भवन को अपने आज़ाद करा लिया गया है। इस आतताई और निकम्मी जो हमारी कुलपति महोदया हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, ये अपने बाहुबल को दिखाना बंद करें कि हम एक जज की वाइफ हैं। हम सभी किसानों के बेटे आते हैं, लेकिन हम अपने छात्र संघ के लिए अपने रक्त के आखिरी बूंद तक लड़ेंगे। और महोदया, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि जल्द से जल्द हम लोग छात्र संघ चुनाव करा के रहेंगे। बस यही। परिचय, सिवेश द्विवेदी, छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय। संगम नगरी प्रयागराज में जहां सीएमओ कार्यालय में आज सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने धरना बोला है। आज समस्त ब्लॉकों से सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने पहुंचकर यहां पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। उनकी मांग है कि जिस तरह से उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाती है, वो उनको काफ़ी महीने से नहीं मिली है, जिसके कारण उनको अब अपना जीवन यापन करने में परेशानी हो रही है। उनका कहना था कि उनकी ये राशि सीएमओ द्वारा जारी की जाती है, मगर कई महीनों से न मिलने के कारण अब उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की है, और उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, आइए सुनाते हैं आपको किस तरह से उन्होंने आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की पोस्ट पर कार्यरत हैं प्रयागराज जिले में, और हम समस्त ब्लॉकों से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारी मांग ये है कि हमें कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि 15,000 हर महीने दी जाती है, जो कि हमें अप्रैल महीने से आज तक, दिसंबर तक, आज तक हमें दी नहीं गई है। इस चीज़ के लिए हम लोग कई बार सीएमओ ऑफिस आ चुके हैं, अपना यहाँ पे एप्लीकेशन दे चुके हैं, हमें हर बार आश्वासन देकर के यहाँ से हटा दिया जाता है। हम लोग पिछली बार दीपावली पे आए थे तो बोला गया कि दीपावली पे हम लोगों को PBI क्रेडिट कर दी जाएगी, जो कि अभी तक हमें नहीं मिला है। हमारी समस्या ये है कि हम लोग दूर दूर जिलों से आकर के यहाँ पर अपना कार्य कर रहे हैं, जो कि हम लोग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक सारे मरीजों को देखते हैं, उनकी स्क्रीनिंग करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी हमारी सैलरी भी सर कारण ये है कि हमारा जो है ऑनलाइन PBI क्रेडिट होना है, जो कि हमारे अधिकारियों के द्वारा इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया जा रहा है, और बोला जा रहा है कि इसमें टेक्निकल इशू है। जो अधिकारी इंटरेस्ट नहीं ले रहे सर, अब जो भी रीज़न हो, ये लोग आनाकानी हम लोगों से लगातार आनाकानी कर रहे हैं। मेरा नाम प्रियंका सोनी है, मैं चाका ब्लॉक से हूँ। जो साथी ने बताया कि हमारे जो अधिकारी हैं वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे, बात यहाँ पे ये है कि जो हमारे जो CHO की जो PBI है वो ऑनलाइन निकलनी है, और ये MO और MOIC द्वारा अप्रूव्ड होना है। लेकिन किसी भी काम के लिए जैसे हमें बोला जाता है, ये अधिकारी लोग किसी भी MOIC को नहीं बोल रहे। कुछ जगह के MOIC अच्छे है, कर दे रहे हैं, लेकिन हर जगह के नहीं कर रहे हैं, तो ये हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। हम लोग 60-60 किलोमीटर दूर जाके गांव में जा के सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन हमको यहाँ पे उसका इतना पैसा हम लोगों का खर्च होता है। किसी के पास स्कूटी है, पेट्रोल डलाना है, जिनके पास स्कूटी नहीं है वो पैदल जा के गांव में सेवाएं दे रहे हैं। वो सोचते हैं PBI आए तो हम लोग स्कूटी दें। हम लोग की 8-9 महीने से PBI हो गए, लेकिन अभी तक एक भी बार इन लोगों ने हमें क्रेडिट नहीं कराया। सैलरी भी हमारी समय से नहीं आती है। हमारी मांग है कि हमारी जो PBI है 8 महीने की वो दे दें, और TADA जो कम्युनिकेशन कॉस्ट है वो हर दे दें, हर महीने सैलरी हमारी टाइमिंग से दे और विद PBI दे। मेरा नाम शिवानी कुशवाहा है, CHO में सैदाबाद से हूँ। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, हमारे साथ के 200 ब्लॉक के सब CHO यहाँ पे आए हुए हैं, और हम लोग लगातार दिवाली से ही
हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारा PBI परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव जो है दिया जाए और हमारा TADA कम्युनिकेशन कास्ट जो है नहीं मिल रहा है। पिछले साल का जो पैसा कमिट हुआ था वो भी नहीं प्राप्त हुआ हम लोग को, और हम लोग लगातार बोलने के बाद भी हम लोग को बोला कि ऑनलाइन किया जा रहा है, तभी भी BPM MIS हमारा है, MIS के थ्रू होना पेमेंट होना है, बट आज तक अभी उसका नहीं हो पाया। अभी बात किया गया हमारे द्वारा तो बोलते हैं कि 5 दिन से सर्वर नहीं चल रहा है या नेट नहीं चल रहा है, ऐसा बताया जा रहा है, ऐसे बहाना किया जा रहा है, बट हम लोग बहुत काफ़ी परेशान हैं। हमारे साथ की जो CHO हैं चाका की, वो डेंगू में अपना इलाज नहीं करा पाई, उन्हें बोलती रह गई कि हमारा पैसा दे दिया जाए, बट कोई नहीं दिया। 8 महीने हो गए, आज 9वां महीना चलने वाला है नवंबर में। हमारी मांगे ये हैं जो हमारा PBI है समय से दिया जाए और हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, बस हमारी एक ही डिमांड है, समय से निरंतरता के साथ सब लोग पेमेंट PBI और पेमेंट दिया जाए समय से। हाँ बिल्कुल रहेंगे हम लोग यहीं पर रहेंगे। आशीष कुशवाहा, CHO कौडिहार, प्रयागराज। प्रयागराज में जहां कांग्रेस नेता इरशादुल्ला ने अब कोटेदारों व खाद पूर्ति अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए, साथ ही उनका कहना है कि राशन कम तौला जा रहा है, प्रति यूनिट 2 किलो कम राशन दिया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस नेता ने अब अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अगर ये समस्या सही नहीं हुई तो वे प्रदर्शन करेंगे, और साथ ही क्या कुछ कहा है आइए सुनाते। उत्तर प्रदेश के अंदर जो राशन के नाम से घोटाला चल रहा है और इलाहाबाद में भी एक बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है, यहाँ पे कोटेदार और जिला आपूर्ति अधिकारी की मिली भगत से कोटेदार एक बहुत बड़ा खेला कर रहे हैं। जितने भी राशन लेने वाले हैं और कार्ड धारक हैं सबको 2 किलो राशन कम दिया जा रहा है। एक गरीब परिवार किस तरीके से अपनी जीविका चला रहा है उसके बाद ये गरीबों का भोजन खा रहे हैं, और ये लोग बड़े लोग अपना घर भर रहे हैं इन गरीब का भोजन चुरा कर, उसमें से चोरी 2 किलो चोरी करके ये अपने घरों को भर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि ये पूरे मामले में पूरी भयंकर जांच होनी चाहिए, कोटेदार की जांच होनी चाहिए और सप्लाई अफसर की भी जांच होनी चाहिए, और पूट अधिकारी जो अधिकारी है उसकी भी जांच होना चाहिए। इनके पास बहुत धन मिलेंगे, गरीब का जितना ये अनाज खा रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहा हूं, और किसी भी कोटेदार को मैं छोड़ूंगा नहीं कि जो 2 किलो गरीबों का राशन खा रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज, देश में गरीब किसान मजदूर युवाओं महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए भाजपा की केंद्र व प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए गाजीपुर के युवा नेता अभिषेक यादव के नेतृत्व में निकाली गई देश बचाओ देश बनाओ समाजवादी पदयात्रा के शहर में प्रवेश पर सपा के नेताओं व महानगर निकाय चुनाव में सपा के संभावित प्रत्याशियों ने घंटाघर से लेकर नकाश कोना खुल्दाबाद चौराहा बुढ़ा ताजिया तिराहा बैरियर चौराहा करैली 60 फीट रोड राजरूपपुर चक निरादुल झलुआ आदि स्थानों पर जोरदार स्वागत किया। ये शहर पश्चिमी विधानसभा के निवर्तमान अध्यक्ष अभिमन्यु पटेल की अध्यक्षता में वरिष्ठ सपा नेता अमित यादव के संयोजन में एक गेस्ट हाउस के बाहर लगे विशाल पंडाल में सैकड़ों सपाइयों नेताओं ने फूलमाला लाद कर यात्रा में शामिल नेताओं का स्वागत किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर चल रही देश बचाओ देश बनाओ समाजवादी पदयात्रा जो आज इलाहाबाद में कई दिन से चल रही है, आज शहर दक्षिणी में हम लोग पहुँचे हैं, शहर पश्चिमी की विधानसभा को हम लोग पूरा करेंगे। लोगों के बीच जाकर के हम लोग ये बता रहे हैं कि इस सरकार की जन विरोधी नीतियों की वजह से इस देश और प्रदेश में बेरोजगारी का आंकड़ा जो है वो पिछले 50 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ रहा है। नौजवान परेशान है, ऊपर से उनके ऊपर अग्निवीर जैसी योजना थोप दी जा रही है, ऊपर से आउटसोर्सिंग कराया जा रहा है, ठेके में भर्ती कराने की तैयारी है, निजीकरण कराया जा रहा है बहुत बड़े पैमाने पर, जिसकी वजह से आने वाले समय में आरक्षण से लेकर के नौकरियों पर उसका असर पड़ेगा। महंगाई बढ़ रही है, घर चलाना मुश्किल हो गया है, पेट्रोलियम के दाम सरकार जानबूझ करके बढ़ा करके रखी हुई है, टैक्स बढ़ा करके रखी हुई है, इतना ज़्यादा चालान कर रही है कि लोगों का आर्थिक शोषण कर रही है ये सरकार। संगम नगरी प्रयागराज में उस समय हड़कंप मच गया जब स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल के पास से ई रिक्शे में बैठाकर 2 बच्चों को एक ई रिक्शा चालक जा रहा था, वहीं बच्चे जोर जोर से रोने लगे, जिसके बाद राहगीरों ने ई रिक्शा को रोक लिया, और जब ई रिक्शा चालक से पूछताछ की तो वो कहा कि बच्चों ने कहा तिकुनिया ले जाओ इसलिए लेके मैं जा रहा था, मगर उसकी बातों से लोगों को शक हुआ, जिसके बाद ई रिक्शा चालक को लोगों ने पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया है और साथ ही बच्चों को भी पुलिस को सौंप दिया है। वहीं
पुलिस अब ई रिक्शा चालक से इस बारे में पूछताछ कर रही है। बता दें ई रिक्शा चालक जहां बच्चों को लेके जा रहा था, बच्चे जोर जोर से रोने लगे, जिसके बाद राहगीरों को शक हुआ तो ई रिक्शा को रोक लिया, और जब ई रिक्शे चालक से पूछताछ की तो वो कुछ भी बताने में असमर्थ था, जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। कई लड़का है, कई लड़का है, बच्चा चुरा के चौकी लेके चलो यार। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।